Hello everyone, welcome back to my channel. So this video is regarding hydropathy plot, or we can say hydropathy index. So this is going to be the lecture third of series cell biology. So this is one of the most important topic which is asked in various competitive exam like CSIRnet, GATE, and it is very important for the interview point of view. तो सबसे पहले हमें पता है कि जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो एक लिपिड बायलेयर है. तो इस लिपिड बायलेयर में केवल लिपिड्स तो होते नहीं है, फॉस्फोलिपिड के साथ साथ क्या होते हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन और मेम्ब्रेन प्रोटीन भी होते हैं. तो ये जो मेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं ये क्या करते हैं, स्पैनिंग करते हैं मेम्ब्रेन की. तो इस रीजन में आप देख सकते हैं कि मेम्ब्रेन की स्पैनिंग हो रही है. तो इसमें स्पैनिंग में जब कि हमारा जो प्रोटीन है वेरियस हो सकता है, सिंगल ट्रांस मेम्ब्रेन पास भी हो सकता है, मल्टीपल ट्रांस मेम्ब्रेन पास भी हो सकता है. ठीक है, जैसे ये प्रोटीन है हमारी मल्टीपास ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है. तो हमें कैसे पता चलेगा कि कोई प्रोटीन सिंगल ट्रांस मेम्ब्रेन है कि मल्टीपल ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है, इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए, इसका पता लगाने के लिए जो प्लॉट यूज होता है उसे हम कहते हैं हाइड्रोपैथी प्लॉट. मीन्स हमारा जो ट्रांस मेम्ब्रेन सेगमेंट है ये कितने ट्रांस मेम्ब्रेन सेगमेंट किसी पर्टिकुलर प्रोटीन में प्रेजेंट है. तो जो ये ट्रांस मेम्ब्रेन सेगमेंट होता है ये हमारा बना होता है हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड का. क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड का है तभी तो ये हमारी जो मेम्ब्रेन है उसको पास कर पा रहा है. तो हाइड्रोपैथी प्लॉट एनालिसिस, सो क्या एम रहता है इस प्लॉट एनालिसिस का, टू नो द नंबर ऑफ हाइड्रोफोबिक सेगमेंट इन अ ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, कि किसी ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन में कितने नंबर ऑफ सेगमेंट्स हैं. ठीक है, जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन हो सकती है वो सिंगल पास हो सकती है और मल्टीपल पास हो सकती है. तो जो हमारा ये हेलिकल सेगमेंट रहेगा ये किससे मिलकर बना हुआ रहेगा, अमाइनो एसिड सीक्वेंस ऑफ प्रोटीन. तो ये कितने अमाइनो एसिड सीक्वेंस का बना होता है, एटलीस्ट 10 to 25, मीन्स 20 अमाइनो एसिड जो होते हैं मिनिमम रिक्वायर्ड होते हैं हमारे इस हेलिकल सेगमेंट को बनाने के लिए. तो हम कैसे पता लगाते हैं कि ये जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन कितने सेगमेंट का है, तो हम क्या करते हैं, जो डेल्टा जी का कैलकुलेशन करते हैं. तो हम क्या करेंगे, किसी भी यहाँ पे अच्छे से बताया गया है, किसी भी नॉन पोलर मीन्स जो भी हमारा नॉन पोलर सेगमेंट है उसको हम वाटर में पोलर चीज़ में ट्रांसफ़र करने की कोशिश करते हैं. मतलब जो हमारे अमाइनो एसिड हैं उनको हम वाटर में ट्रांसफ़र करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, जो हमारा प्रोटीन का नहीं, जो भी हमारा प्रोटीन में डिफरेंट अमाइनो एसिड्स हैं उनको हम थोड़ा थोड़ा 20-20 सेगमेंट करके लेंगे और उनको क्या करेंगे कि वाटर में, मतलब नॉन पोलर से पोलर में ट्रांसफ़र करने की क्या करेंगे. तो जैसे हमारा हाइड्रोफोबिक जो सेगमेंट रहेगा, जो हमारा प्रोटीन का पार्ट हाइड्रोफोबिक फिलिक अमाइनो एसिड से बना होगा, मीन्स जो अमाइनो एसिड वाटर लविंग होंगे, तो वो क्या कहेंगे, मतलब वो नॉन पोलर से हम उनको पोलर में डालेंगे तो क्या होंगे, वो ईजिली ट्रांसफर्ड हो जाएंगे. क्योंकि उनको क्या कहेगा, मतलब वहाँ पर कोई एनर्जी की ज़रूरत नहीं होगी, वो ईजिली ट्रांसफर हो जाएंगे. क्योंकि जो हमारा हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड होगा वो वाटर लविंग होगा, तो ईजिली वो पोलर सॉल्यूट में आराम से चले जाएंगे. मीन्स ऑटोमेटिक, या फिर ये जो प्रोसेस रहेगा हमारा फेवरेबल रहेगा. तो यहाँ पे हमारा डेल्टा जी क्या होगा, नेगेटिव रहेगा. मीन्स ये प्रोसेस क्या होगी, स्पॉन्टेनियस होगी. मतलब आपके समझ में आया कि जो हाइड्रोफिलिक सेगमेंट रहेगा हमारा प्रोटीन का, उसमें से हमने 20 अमाइनो एसिड लिए, मतलब पूरा प्रोटीन में से तो फर्स्ट 20 अमाइनो एसिड लिए. ठीक है, तो उसको हमने क्या किया, पोलर के टूवर ट्रांसफ़र करने की कोशिश की, तो आराम से ट्रांसफ़र हो गया. तो उसकी वजह से हमें क्या मिलेगी, एक पीक मिलेगी जो भी हम प्लॉट ड्रॉ करेंगे. अगर हम हाइड्रोफोबिक सेगमेंट की बात करें तो हम उसे नॉन पोलर से पोलर में डाल रहे हैं, मीन्स वो ऑलरेडी नॉन पोलर है हाइड्रोफोबिक सेगमेंट अमाइनो एसिड का, हम उसको ज़बरदस्ती पोलर एनवायरनमेंट में डाल रहे हैं. तो क्या होगा, ये ऑटोमेटिक फेवरेबल या स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नहीं है, यहाँ पे हमें अपनी एनर्जी देनी पड़ेगी. मीन्स डेल्टा जी विल बी पॉजिटिव, मीन्स वहाँ पे हमारा एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, मीन्स ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा. तो हमारे हाइड्रोपैथी प्लॉट में जो होता है इस तरीके से, हमारा ये जीरो बेसिक लेवल होता है, यहाँ पे हमारी पॉजिटिव वैल्यू आती है डेल्टा जी की, यहाँ पे हमारी नेगेटिव वैल्यू आती है, और यहाँ पे हमारा अमाइनो एसिड का रेजिड्यू आता है. तो हमें यहाँ पे डिफरेंट पीक मिलती हैं. ठीक है, तो अब अगर डेल्टा जी पॉजिटिव है, तो हमारा डेल्टा जी अगर पॉजिटिव है तो वो क्या शो कर रहा है, हाइड्रोफोबिक सेगमेंट. मीन्स वहाँ पे जो है हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट है किसी चीज़ को भेजने के लिए नॉन पोलर से पोलर के लिए, फेवरेबल प्रोसेस नहीं है, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है. अगर हमारा डेल्टा जी जो है नेगेटिव है तो वो हाइड्रोफिलिक, क्योंकि ये जो प्रोसेस है स्पॉन्टेनियस है, अपने आप हो सकती है, क्योंकि हम ऑलरेडी नॉन पोलर इन्वायरमेंट से एक पोलर चीज़ को पोलर ही जगह ट्रांसफ़र कर रहे हैं. मीन्स आपको ये याद रखना है कि डेल्टा जी नेगेटिव होगा तो क्या होगा, डेल्टा जी पॉजिटिव होगा तो क्या होगा. अब इसे हम ग्राफ के हेल्प से समझते हैं. ठीक है, कि देखो हमारा जो है डेल्टा जी पॉजिटिव आया,
मीन्स हमें यहाँ पे एक पीक मिली, मीन्स ये पीक जो क्या शो करती है, अगर एक पीक मिल रही है तो मीन्स सिंगल ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है। सो जो हमारा हाइड्रोफोबिक है होगा पार्ट, उसके लिए डेल्टा जी पॉजिटिव रहेगा, और जो जो हाइड्रोफिलिक रहेगा वहाँ पे क्या होगा, डेल्टा जी नेगेटिव रहेगा। तो ये जो डिफरेंट पीक्स मिल रही हैं, ये हमारे उन अमाइनो एसिड सीक्वेंसेस के लिए मिल रही हैं जो हमारी क्या है, हाइड्रोफिलिक है, पोलर है, और जो हमारा नॉन पोलर है वो उसके लिए एक अलग पीक मिल रही है। और हमें पता है जो ट्रांसमेग्रेन सेगमेंट होता है वो होता है नॉन पोलर, मीन्स एक पीक मिल रही है तो हमारा वन नॉन पोलर सेगमेंट। फिर हम दूसरा ग्राफ देते हैं, ये बैक्टीरियो रोडोप्सिन के लिए है, इसका एग्जांपल सिंगल पास का ग्लाइकोफोरिन है। बट जो अमाइनो एसिड होंगे वो 10 to 25, मीन्स 20 अमाइनो एसिड मस्ट होने चाहिए इस सेगमेंट में। तो जैसे यहाँ पे हमें कितनी पीक मिल रही है, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये किसका एग्जाम्पल है, बैक्टीरियो रोडोप्सिन का। मीन्स यहाँ पे हमें 7 पीक्स मिल रही है, इसका मीन्स ये जो मेम्ब्रेन प्रोटीन है, ये जो प्लॉट है प्रोटीन का, हमारा मेम्ब्रेन को 7 टाइम्स स्पेन कर रहा है। ये हमारा क्या है, 7 ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है। बट इसमें एक चीज़ और नोटिस करने वाली है, कहीं कहीं पर क्या होता है, ये छोटी छोटी पीक्स मिलती हैं, बट हम इन्हें क्यों नहीं काउंट करते, क्योंकि जो हमारा अमाइनो एसिड होना चाहिए वो एटलीस्ट 20 अमाइनो एसिड होना चाहिए, क्योंकि जब 20 अमाइनो एसिड होगा तभी एक हेलिक्स की फॉर्मेशन होगी। अगर आपको एक ऐसा ग्राफ दिया जाए और उसमें एक तो हमारा ऐसी पीक दी जाए और एक पीक दी जाए ऐसी, तो हाँ आप इसको टू ट्रांस मेम्ब्रेन नहीं बोलेंगे, ये केवल वन ट्रांस मेम्ब्रेन, क्योंकि यहाँ पे एटलीस्ट 20 अमाइनो एसिड कवर होंगे, बट यहाँ पे क्या होंगे, 2 or 3 अमाइनो एसिड कवर होंगे। तो 2 or 3 अमाइनो एसिड मिलके एक हेलिकल सेगमेंट नहीं बनाएंगे। तो आप आप मेरी बात को समझ होंगे, अगर आप CSIR के क्वेश्चंस को देखेंगे तो उसके थ्रू आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। सिमिलरली यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे क्या बोलते हैं, वन ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है, ये भी सिंगल ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है, और ये मल्टीपल ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है। तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि पॉजिटिव वैल्यू इंडिकेट हाइड्रोफोबिक पोर्शन ऑफ द प्रोटीन एंड नेगेटिव वैल्यू इंडिकेट पोलर पोर्शन और हाइड्रोफिलिक पोर्शन। और यहाँ पे देखो लिखा है, देयर आर जनरेटेड बाई एटलीस्ट 20 अमाइनो एसिड, 20 कंटिन्यूस अमाइनो एसिड होनी चाहिए अलॉन्ग द लेंथ, तभी वो एक जो है ट्रांस मेम्ब्रेन सेगमेंट में काउंट होगा। मींस अगर इस तरीके का ग्राफ है और उसमें एक पीक तो ऐसी आ रही है बट अगली पीक जो है ऐसी आ रही है, तो यहाँ ये पीक नहीं होगी। यहाँ पे आपको जो नंबर ऑफ अमाइनो एसिड सीक्वेंस है वो दिए रहेंगे, तो आप इससे काउंट कर सकते हैं कि एटलीस्ट 20 हमारे अमाइनो एसिड आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द हाइड्रोपैथी इंडेक्स। होप दिस इज़ क्लियर टू यू कि हाइड्रोपैथी इंडेक्स क्या होता है, डेल्टा जी पॉजिटिव होता है तो क्या होता है, डेल्टा जी नेगेटिव होता है तो क्या होता है, और हमें कैसे पीक्स को काउंट करना है। तो इस टॉपिक में सिर्फ इतना ही इंक्लूडेड है। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। So this is all about this video. Thank you very much. Please like my channel and subscribe to my channel.